दोस्तों भाग्यलक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में जहां आयुष करेगा इस समय मलिष्का को एक्सपोज, क्योंकि दोस्तों आयुष को इस समय कुछ सबूत हाथ लगते हुए नजर आएंगे, वो भी मलिष्का के खिलाफ। मलिष्का को लग रहा था कि मुझे तो कोई एक्सपोज कर ही नहीं सकता, लेकिन शायद वो गलत फहमी में है। उसे अभी तक कुछ ऐसा क्लू नहीं मिला था आयुष को जिससे वो एक्सपोज कर सके, लेकिन फाइनली अब आयुष को एक ऐसा क्लू मिल गया है जो कहीं ना कहीं एक्सपोज पूर्ण रूप से करता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, क्योंकि लक्ष्मी के साथ है इस समय आयुष, और आयुष ने बोला है कि जो असली गुनहगार है उसको ही सजा क्यों ना दिलाई जाए, और असली गुनहगार कोई और नहीं है बल्कि मलिष्का ही है। क्योंकि दोस्तों मलिष्का ने पहले ही काफ़ी चीज़ ऐसी की हैं कि जिससे एक्सीडेंट भी हुआ है, और मरते मरते ऋषि के फादर भी बचे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वीरेंद्र अंकल जो हुआ था वो बहुत ही गलत तरीका से हुआ था उनके साथ में ये सब कुछ, और इस सब को करने वाला शख्सियत अभी भी एक्सपोज नहीं होगा तो फिर कब होगा। क्योंकि यहाँ पर मलिष्का ने लिया है एक बहुत बड़ा डिसीजन कि इस घर को जल्दी से जल्दी छोड़ देगी, लेकिन दोस्तों उससे ही पहले आयुष ने भी एक डिसीजन ले लिया है। आयुष ने बोल दिया है कि मलिष्का जब घर छोड़ेगी जब ठीक है, लेकिन उससे पहले ही हम मलिष्का को एक्सपोज क्यों नहीं कर सकते। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी का एक नहीं बल्कि समय कई और भी रीजन्स देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं, और दुखी रहने के पीछे आप लोग लॉजिकली कितनी अलग तरीका से देखते हैं। क्योंकि कहते हैं जो होता है वो वास्तविक दोस्तों अच्छे के लिए ही होता है, और जो अब होने जा रहा है वो और भी घना दिलचस्प होता हुआ ही नजर आएगा। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस समय कहानी एक अलग ही रूप लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लक्ष्मी का मानना यह है कि जो मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, मुझे मनुष्य तक बताया जा रहा है, ये किस वजूद पे बताया जा रहा है, और ये सब कुछ मेरे साथ में ही क्यों हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस समय ऋषि भी साथ छोड़ता हुआ नजर आ रहा है लक्ष्मी का, जिसने वादा किया था। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन ऑन कीजिए। थैंक यू।